प्रकाश सिंह, आयोग ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पुलिस के कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही अब इस रिपोर्ट को लेकर सूबे में सियासत शुरू हो गई है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। हरियाणा जाट आंदोलन के दौरान पुलिस की भूमिका की जांच कर रही प्रकाश सिंह कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी है। कल रिपोर्ट दी है, अभी मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट का अध्ययन करूंगा। लेकिन जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ उसके उतने ही उससे देखे हैं, तो इस सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सुना था कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट आ गई। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट का मायना उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि जब हमने मांग करी थी कि इसकी न्यायिक जाँच हो, और उन्होंने जब ये कहा कि मैंने एक मेंबर की कमेटी, एक रिटायर्ड जस्टिस के जुम्मे हम ये इंक्वायरी लगाए, जिम्मेवारी लगा दी, तो फिर प्रकाश सिंह रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रकाश सिंह कमेटी ने अपने रिपोर्ट में 90 बड़े अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, जबकि कई अधिकारियों के काम की सराहना भी की है। ऐसे में विपक्ष के हमलों के बाद सरकार पर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।